हमारे राम आ गए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ये नारा काफी सुनने मिला। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स सामने आए, रुझान देखने मिले, तो इस पूरे स्लोगन का मतलब ही पलट कर रह गया। जो राम को लाए हैं उनका आना अयोध्या में मुश्किल हो गया। 2014 का चुनाव इसी वादे पर जीता कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 2019 का चुनाव इसी वादे को कायम रखते हुए जीता, और जब ये वादा पूरा कर दिया तो 2024 में अयोध्या की ही इतनी इम्पोर्टेंट सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और सामने उनके खड़ी थी समाजवादी पार्टी। काफी हैरानी हुई जब लोगों को पता चला कि अयोध्या में बीजेपी पीछे चल रही है। लोग यहाँ योगी और मोदी की कंपेनियनशिप पर सवाल उठाने लगे। इस वक्त हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर बीजेपी अयोध्या में हार कैसे गई। हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर बीजेपी अयोध्या में कैसे हार सकती है। आपको बता दें कि जनवरी में अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, जहां बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने शिरकत की थी। इसके साथ ही विपक्ष पार्टियों ने ये कहकर कि ये बीजेपी का पर्सनल फंक्शन है, पर्सनल इवेंट है, इसलिए उसका हिस्सा वो नहीं बने, और अब वही विपक्ष पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी वहां पर बीजेपी को हराती नजर आई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सोनू निगम का एक काफी निराशाजनक ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों पर सवाल उठाया। सोनू निगम ने ट्वीट में लिखा, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेंपल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है, शर्मनाक है अयोध्या वासी। और आपको बता दें कि हर कोई जहां इस बार राम मंदिर को बीजेपी का मेन एजेंडा बता रहा था, तो वहीं उसी जगह उसी सीट पर बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी जिस तरह से औंधे मुंह आ गिरी है अयोध्या सीट पर, ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। लोग यहाँ पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा अपने बहुमत तक नहीं पहुँच पाई। वेल, 2014-2019 में बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी इस बार 2024 में कैसे सरकार बनाती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उनके खिलाफ यहाँ इंडिया अलायंस ने सच में उनको काफी कड़ी टक्कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अयोध्या में बीजेपी की हार पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट।